नमस्कार दोस्तों। ओए ध्रुव राठी के चौधे, सीधा टॉपिक पे आना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलो भाई सीधा टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले दो बात कि जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम ट्रिक्स का यूज़ करेंगे जिससे हमारी लर्निंग इजी हो जाए। दूसरी बात कि वीडियोस में कुछ घरेलू शब्दों का उपयोग हो सकता है जो किसी को अच्छे किसी को बुरे लग सकते हैं। ठीक है तो अपनी सेफ साइड लेके चलना और हेडफोन या ईयरफोन लगा के रखना। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का अपना टॉपिक है साइंस ऑफ aortic regurgitation। ठीक है, अब देखो इसमें ना 11 से 12 साइंस होंगे, कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या होता है और उनको कैसे याद रखना है ये अपन बताएंगे। ठीक है तो चलो बिना किसी कैरी मिनाटी के शुरू करते हैं। तारे जमीन पर। तो मेरा दोस्त था, उससे मैंने पूछा कि भाई मेरे को चल साइन बता AR के। तो वो बोलते क्यों मदर फिर भाई उसने ये घरेलू शब्दों का उपयोग कर लिया। तो मैंने रिप्लाई दिया कि भाई नहीं बताएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बोलते क्या दिक्कत हो जाएगी? मैंने बोला कि तुझे घर बैठे सीधा कर दूंगा, घर बैठे बैठे सीधा कर दूंगा। बोला अच्छा कैसे? मैंने कहा बस हो गया इतना ही है। बोले इतना ही है? हाँ इतना ही, इतने से हो जाएगा काम? हाँ इतने से काम हो जाएगा। तो बोला भाई क्या बोला एक बार वापस से बोल दियो। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला क्यों मादर उसके बाद मैंने क्या बोला? दिक्कत हो जाएगी, तो टी ट्रबल, दिक्कत मतलब ट्रबल। ठीक है और उसके बाद अपना ट्रबल के बाद मैंने उसके बोला घर बैठे सीधा कर दूंगा, तो घर बैठे सीधा। तो ये अपने कीवर्ड्स हैं। ठीक है साइंस को याद करने के लिए अपने कीवर्ड्स हैं। ठीक है अब इसमें ना एक बात याद रखनी है, जो मादर फिगर है ना इसमें जो वर्ड है ए और ओ, ठीक है ये ओ ये ए और ये ए, इनको नहीं लेंगे अपन, इनको छोड़ देंगे। आहो ये गंदे वर्ड है, तौबा तौबा थारा मूड खराब कर दिया। इनको नहीं लेंगे, इनको छोड़ देते हैं। अब तो ये आहो को छोड़ दे, छोड़ने के बाद क्या बनता है? MDRCHD। ठीक है तो ये अपने कीवर्ड्स हैं MDRCHD ट्रबल घर बैठे सीधा। ठीक है अब इनके बेस पे एक एक साइन अपन लेके चलते हैं। ठीक है तो पहला अपना आता है क्यू। ठीक है तो क्यू से क्या है? क्यू से पहला अपना साइन आता है क्विंकी साइन। तो क्विंकी साइन को याद कैसे करना है? देखो क्यू से क्विंकी साइन को याद करना है के ई, क्योंकि के लास्ट में क्या आ रहा है? के ई। तो के ई से क्या होगा लास्ट में? के ई से किस से करते हैं? लिप्स। हाँ बहुत चीजों से कर सकते हैं मान ली बात, पर लिप्स से करते हैं ना, लिप्स से भी करते हैं। ठीक है तो लिप से कर ली किस? ठीक है तो लिप्स के जैसा क्या है? फिंगर टिप्स और नेल बेड। ठीक है करेक्ट। तो ये देखो AR में क्या होता है, अपने aortic regurgitation में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि डायस्टोल में ब्लड वापस फ्लो करता है, रिगर्जिटेशन है ना तो वापस फ्लो करता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ओवरऑल जो अपना पल्स प्रेशर है विच इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक वो इंक्रीज हो जाता है, तो वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर, जिसकी वजह से हमें पल्सेशंस अप्रिशिएट होती है अच्छे से। तो इसके साइंस हर ऑर्गन में या साइट जहां जहां पे पल्सेशंस इंक्रीज होती हैं उनके उसको एक साइन का नाम दे दिया है, तो वो अपनी याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है? क्विंकी साइन क्या है? क्विंकी में लास्ट में की आ रहा है, की से किस से करते हैं? लिप्स। और लिप्स जैसा ही कोई वर्ड क्या है? टिप्स। तो किसके टिप्स? फिंगर टिप्स, और साथ में फिंगर टिप्स है तो उसके साथ में नेल बेड है। तो ये क्विंकी साइन क्या होगा? इंक्रीज कैपिलरी पल्सेशन इन द नेल बेड लिप्स एंड फिंगर टिप्स। ठीक है तो ये क्यों हो गया, क्यों खत्म। उसके बाद मादरचोद में एम आता है, एम से है म्यूलर साइन, अगले एम से क्या है? म्यूलर साइन। तो म्यूलर साइन में तुम्हें दिख रहा है, म्यूलर साइन में अपने ये क्या है? यूएल दिख रहा है, यूएल। ठीक है तो यूएल को मैं उल पढ़ूंगा, उसके बाद इसको उल से उला बनाया, उला से यू वुला बनाया, तो कैसे? उल उला यू वुला,
उला यूवुला, ठीक है, तो सिस्टोलिक पल्सेशन ऑफ द यूवुला, ये अपना क्या है मुल्लर साइन। उसके बाद आता है डी, एम डी आर ना, उसके बाद आता है डी, उसका डी में डी से क्या है थर्ड साइन अपना डी मुसेट साइन, डी मुसेट साइन। अब इसका जो है नाम डी मुसेट, पर मैं क्या पढ़ रहा हूं इसको मस्त, इसको मैं पढ़ रहा हूं मस्त, मस्त डी मस्त। अब ये बंदा मस्त, मैंने इसको पढ़ा है तो ये मस्त कैसे है, ये मस्त ये क्या करता है देखो, ब्राउन मुंडे ओ देसी जगीत ट्रैप जी बीट सरकट गज दे स्पीकरां ते वज दे ब्राउन मुंडे। Seriously, what the fuck are you doing? तो ये क्या कर रहा था, ये बंदा गानों की धुन पे अपना हेड ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो ये बंदा मस्त है, मतलब गाने सुन रहा है, मस्त बंदा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे अपन, ऐसे हेड कर रहा है तो हेड नोडिंग कर रहा है विद ईच हार्ट बीट, तो ये क्या अपना डी मुसेट साइन, डी मुसेट नोडिंग ऑफ हेड विद ईच हार्ट बीट, ठीक है। एम डी आर, अगला आता है आर, आर से क्या है रोजनबैक साइन। अब रोजनबैक में क्या है, आर से रोजनबैक, आर से रीजनरेशन, रीजनरेशन की पावर बॉडी में किस में होती है सबसे ज्यादा लिवर में, तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द लिवर इज रोजनबैक साइन, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आता है सी, सी क्या है कोरिगन्स पल्स, कोरिगन्स पल्स अपन सबको पता है, वाटरहैमर पल्स, रैपिड अपस्ट्रोक एंड रैपिड डाउनस्ट्रोक, ये तो सिंपल है। उसके बाद आता है सी एच, एच से क्या है हिल साइन, हिल साइन कैसे याद रखना है, नॉर्मली जब हिल है, हिल मतलब पहाड़ी, तो पहाड़ी पे अपन चढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा नीचे चढ़ेंगे, पहाड़ी पे ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे चढ़ेंगे हम, नहीं बीपी, सिस्टोलिक बीपी। अरे कहना क्या चाहते हो, तो पोपलीटियल कफ का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ब्रेकियल कफ से ज्यादा है, नीचे चढ़ रहे हैं ना, तो पोपलीटियल का ब्लड प्रेशर ब्रेकियल के ब्लड प्रेशर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20 mmHg ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है हिल साइन। उसके बाद आता है फिर से डी, फिर से डी आता है, अगले साइन का नाम है ड्यूरोइजियस साइन। अब ड्यूरोइजियस साइन में क्या लेना है, एक ड्यूरोइजियस साइन का डी लेना है, डी से बनाना है दो, ठीक है। और यू आर, यू आर क्या होता है, देख मर्मर है ना, मर्मर के स्पेलिंग में यू आर आते हैं, यू आर एंड यू आर, तो यहां से लें, तो ये साइन किससे रिलेटेड है, दो मर्मर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी दो मर्मर कहां सुनेंगे, याद रखना फीमोरल आर्टरी में, फीमोरल आर्टरी में सुनेंगे मर्मर, तो फीमोरल आर्टरी में दो मर्मर, तो दो मर्मर कौन कौन से हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक, बोले साथ सुनेंगे कि मन का पागल है क्या, सिस्टोरल डायस्टोल साथ होते हैं क्या, फिर नहीं ना, तो नहीं सुनेंगे साथ, ठीक है। तो कब कौन सा सुनेगा, जब मैं फीमोरल आर्टरी को प्रोक्सीमली कंप्रेस करूंगा तो सिस्टोलिक मर्मर सुनेगा, डिस्टली कंप्रेस करूंगा तो डायस्टोलिक मर्मर सुनेगा, ठीक है। ये क्या है ड्यूरोजियस साइन। उसके बाद आता है ट्रबल, ये क्यू और वो घरेलू शब्द हो गया, क्यू और वो जो भी गंदा शब्द उसने बोला था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने बोला था ट्रबल। अब ट्रबल से याद रखना ट्रोबे, ठीक है, ये अपना किससे याद रखना था ट्रबल से, ट्रबल से। अब इसमें बंदा ट्रबल में है, ठीक है, तो ट्रबल में कैसे, एक ऐसे सीन क्रिएट कर लो कि किसी बंदे के यहां हेड पे क्या है पिस्टल लगाई हुई है, तो ट्रबल में है, ठीक है। तो इससे याद रख लेंगे पिस्टल शॉर्ट साउंड होते हैं, मतलब ट्रोबे साइन क्या होते हैं, एआर के पेशेंट्स में जब हम फीमोरल आर्टरी पे सुनते हैं स्टेथ से सुनेंगे ऑब्वियसली, तो बूमिंग, बूमिंग मतलब भट भट, तो बूमिंग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साउंड सुनेंगी फीमोरल आर्टरी पे, जो कि भट भट मतलब पिस्टल शॉर्ट जैसी है ना, तो इसको पिस्टल शॉर्ट साउंड बोलते हैं, फिर बूमिंग सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक साउंड हर्ड ओवर फीमोरल आर्टरी, तो ये अपना क्या है ट्रोबे साइन, ठीक है। अब ट्रबल हो गया, ट्रबल के बाद मैंने बोलते हैं घर बैठे सीधा कर दूंगा घर, अब घर से क्या है गर हार्ट साइन, गर हार्ट साइन। अब गर हार्ट साइन में क्या है, जी से गर हार्ट, और गर हार्ट जैसा ही तुम्हें नहीं लगता ग्रेवयार्ड लगता है ना, गर हार्ट है ऐसा ही कोई क्या है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जी से गर हार्ट, जी से ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड अपनी बॉडी में कौन है आरबीसी के लिए स्प्लीन, तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द स्प्लीन क्या होगा गर हार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बैकर साइन, बैकर साइन क्या है, बैकर साइन को कैसे याद रखना है, बैकर का लास्ट का ई आर है ना, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके आर ई बन गया, तो आर ई से रेटाइना, ठीक है, आर ई से रेटाइना, तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द रेटाइना। या फिर और बी से क्या होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड से किससे बोला आई, ब्लाइंड आई से रिलेटेड है, तो आई, आई में रेटाइना, ऐसे याद कर सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो इन पे रेड बॉक्स में इनको बंद कर रखा है, क्यों,
क्योंकि बहुत जरूरी चीजों के साइन है, ठीक है। अब नाम में क्या है, शैली, नेक्स्ट साइन है शैली साइन, तो शैली, हाँ शैली समझ गया, तो हाँ हाँ क्या समझ गया, फीमेल है तो फीमेल है, तो फीमेल में स्पेशल क्या होता है, समझ गया क्या, हाँ सर समझ गया, क्या समझा, बोले ये नहीं यार, ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं, तो एस से शैली है ना, सै से बोलते हैं इसको, हिंदी कर लेते हैं चलो, शैली की सै, तो सै से ही क्या होता है जरूरी चीज, सर्विक्स, ठीक है, तो सर्विक्स होती है, तो पल्सेशन इन द सर्विक्स, तो शैली क्या है, कैसे भी याद रख सकते हो, फीमेल है फीमेल है तो सर्विक्स दे दिया, फिर शैली सै से, शैली सै से सर्विक्स, तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द सर्विक्स। अब तुम सोच रहे हो सर्विक्स को मैंने साइन दे दिया तो तुम्हें पता है नाराज कौन होगा, नाराज होगा अपना लोंडा, अपना लोंडा नाराज हो जाएगा कि सर्विक्स को साइन दे दिया, मेरे को साइन नहीं दिया, तो लोंडा नाराज है तो लोंडे को मनाना पड़ेगा, क्योंकि लोंडा अगर नाराज है, क्योंकि उसके साथ तो लोंडे के साथ तो अपना डेली का उठना बैठना है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो उसका मनाना, उसको मनाना जरूरी है, तो लोंडे को अपने साइन दे दिया, बोले कौन सा साइन, बोले ये ले, बोले ये क्या है, बोले साइन है, बोले क्या नाम, बोले लैंडोल्फी, बोले ये लैंडोल्फी ये नहीं है, बोले यहाँ पे यू की जगह ए है, बोले सर दिख रहा है, सर आप भी बकवास करते हो, बोले हाँ दिख रहा है तो देख ले, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, बोले लैंडोल्फी साइन, बोले लैंडोल्फी साइन क्या होता है, बोले लैंडोल्फी साइन तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द लोंडा, बोले नहीं यही तो छलावा है, लोंडे को अपने को बस नाम दिया है, काम नहीं दिया, नाम दिया है काम नहीं दिया, तो सिस्टोलिक पल्सेशन से लोंडे में नहीं है, ये किस में है, प्यूपिल में है, बोले सर प्यूपिल में है, तो बोले सर मेरे को नहीं पता, आप याद करने का तरीका बताओ, बोले सुन ले यार, बोले लोंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोले सर ये बोलते हैं, बोले ये बोलते हैं, बोले बिल्कुल ये बोलते हैं, तो इसके पी से ही दूसरा नाम ले लेते हैं प्यूपिल, तो सिस्टोलिक पल्सेशन इन द प्यूपिल क्या है, लैंडोल्फी साइन, बोले सर, बोले हाँ, बोले सर प्यूपिल तो एक छेद होता है, उसमें पल्सेशंस कहाँ से आई, ये बढ़िया था गुरु बोले बहुत सही क्वेश्चन है रे तेरा इस बार, बोले देख इसका मतलब क्या है, लैंडोल्फी साइन का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ प्यूपिल, तो कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, दिल लग रही है ना कि जैसे कोई पल्स हो, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, तो क्या लैंडोल्फी साइन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, तो ये अपने साइंस होते हैं ए आर के। कैसा लगा मेरा मजाक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।